दोस्तों नमस्कार। बीते कल यानी शनिवार 27 अगस्त से एशिया कप शुरू हो चुके हैं और इस दौरान उपमहाद्वीप की 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। बीते कल श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच मैच था। इस मैच को अफगानिस्तानी टीम ने 8 विकेट रहते हुए अपने नाम कर लिया। अब आज भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला होने वाला है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि भारतीय टीम को एशिया कप में चैंपियन टीम क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसकी वजह क्या है। 27 अगस्त 2022 से एशिया कप की शुरुआत यूएई में हुई है, जबकि इसका समापन 13 सितंबर को होगा। इससे पहले इसका आयोजन श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक संकट की वजह से वहां इसको आयोजन कराना संभव नहीं था और बाद में इस कप को यूएई में शिफ्ट किया गया। एशिया कप इस बार भारतीय टीम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस साल के अंत में ही T20 वर्ल्ड कप का भी आयोजन होने वाला है। ऐसे में यदि यहां पर टीम का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो जाहिर सी बात है कि T20 विश्व कप में भी टीम इंडिया का आत्मविश्वास अपने चरम पर होगा। इस बार के एशिया कप में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय आज यानी 28 अगस्त को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच की हो रही है और ये दोनों ही टीमें एक ही ग्रुप में हैं। क्रिकेट के इस आयोजन में 6 टीमें शामिल होने वाली हैं, जिनको ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत पाकिस्तान और हांगकांग हैं, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें हैं। इस दौरान कुल 13 मैच खेले जाने हैं, इसमें से 10 दुबई में और 3 मैच शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। ये तो रही इस साल के आयोजन की कुछ बातें। आइए अब आपको एशिया कप का इतिहास व इसमें भारतीय टीम की सहभागिता के बारे में बताते हैं। एशिया कप की शुरुआत साल 1984 में हुई थी। इस साल पहली बार यूएई में एशिया कप खेला गया था, जिसमें पहली बार भारतीय टीम ने हिस्सा लेकर और इस कप को अपने नाम कर इतिहास रच दिया था। अब तक कुल 14 बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है, जिसमें से सबसे ज़्यादा 7 बार भारतीय टीम ने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। भारत के बाद सबसे ज़्यादा बार एशिया कप को अपने नाम करने वाला देश श्रीलंका है। श्रीलंका ने कुल 5 बार यहां पर अपना कब्जा जमाया है। इसी कड़ी में हम आपको आज तक के एशिया कप के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहला जो एशिया कप था, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको, साल 1984 में यूएई के शारजहां में एशिया कप का आयोजन हुआ था। इस दौरान भारतीय टीम सुनील गावस्कर की कप्तानी में एशिया कप के लिए उतरी थी। उस साल टीम ने इतिहास रचते हुए फाइनल में श्रीलंका की टीम को हराकर पहली बार एशिया कप में अपना कब्जा जमाया था। इसके बाद साल 1986 में एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में किया गया था। इसे जॉन प्लेयर गोल्ड लीफ ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार भारत ने श्रीलंका के साथ तनावपूर्ण संबंध होने के कारण टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया था और श्रीलंका ने मेजबानी करते हुए इस ट्रॉफी को पहली बार अपने नाम किया। तीसरा एशिया कप बांग्लादेश में खेला गया था और इसे विल्स एशिया कप के नाम से भी जाना जाता है। भारत के दिलीप वेंगसेकर की कप्तानी में भारत ने श्रीलंका को दूसरी बार फाइनल में हराकर ट्रॉफी को अपने नाम किया। अगर चौथी बार के एशिया कप की बात करें तो इसकी मेजबानी भारतीय टीम ने की थी। यह पहली बार था जब एशिया कप का आयोजन भारत में हो रहा था। इस साल पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया था। इस बार भी भारतीय टीम ने पड़ोसी देश श्रीलंका को हराया था और एक बार फिर से एशिया कप में अपनी जीत दर्ज की थी। साल 1995 में एक बार फिर एशिया कप का आयोजन यूएई में हुआ। इस बार भी 4 टीमों ने हिस्सा लिया था। एशिया कप में जीत दर्ज करने की आदत बना चुकी भारतीय टीम ने इस साल भी चौथी बार मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में ट्रॉफी को अपने देश के नाम किया। 6th एशिया कप की मेजबानी का मौका फिर से श्रीलंका को मिला। इस बार भारतीय टीम को पहली बार श्रीलंका के हाथों फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, तो इस हिसाब से ये जो कप था वो श्रीलंका के नाम गया। साल 2000 में एशिया कप का आयोजन बांग्लादेश में हुआ और पाकिस्तान ने पहली बार फाइनल में श्रीलंका को हराकर एशिया कप की ट्रॉफी को अपने नाम किया। इसके बाद साल 2004 में एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में होता है। इस बार श्रीलंका के हाथों 25 रन से भारत को एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। 4 साल बाद 2008 में एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी। इस बार एक बार फिर से श्रीलंका की टीम ने भारत को फाइनल मुकाबले में हराया था। जो 10वां एशिया कप है, अगर उसकी बात करें तो इसका आयोजन फिर से श्रीलंका में हुआ था। इस साल 4 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत ने एक बार फिर से एशिया कप को अपने नाम
करते हुए श्रीलंका को फाइनल मुकाबले में 81 रनों से शिकस्त दी थी। इसके साथ ही साल 2010 में भारतीय टीम 5 बार एशिया कप जीतने वाली टीम बनी थी। धोनी की कप्तानी में टीम ने यह पहली ट्रॉफी अपने नाम की थी। साल 2012 में बांग्लादेश की जमी पर एशिया कप को खेला गया। इस साल पाकिस्तान एशिया कप को अपने नाम करने में कामयाब रही थी। साल 2014 में बांग्लादेश ने एक बार फिर से एशिया कप की मेजबानी की थी। इस दौरान कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। अफगानिस्तान की टीम पहली बार इस साल एशिया कप का हिस्सा बनी। इस साल श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर 5वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी को अपने नाम किया। साल 2016 में लगातार तीसरी बार बांग्लादेश ने एशिया कप की मेजबानी की। इस साल पहली बार T20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला गया था। फाइनल मैच भारत और मेजबान बांग्लादेश के बीच खेला गया था। भारतीय टीम ने इस मैच को 8 विकेट रहते ट्रॉफी को अपने नाम किया था। एशिया कप के 14वें संस्करण का आयोजन एक बार फिर से UAE में हुआ था। इस बार भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए रोहित शर्मा की कप्तानी में बांग्लादेश को हराकर कुल 7वीं बार ट्रॉफी को अपने नाम किया। जो अभी तक हमने बातें बताई हैं ये एशिया कप के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। 7 बार भारतीय टीम ने एशिया कप को अपने नाम किया है और 5 बार श्रीलंका ने अपने नाम किया है। अब इस साल 2022 में एक बार फिर से एशिया कप का आयोजन UAE में होने वाला है। तो इस बार भारतीय टीम के दृष्टिकोण से अहम रहेगा कि आने वाले T20 जो इस साल के अंत में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिहाज से कि यहाँ पर भारतीय टीम का कैसा प्रदर्शन रहता है। क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों को जानने के लिए भी हमारे चैनल न्यूज़ रूम पोस्ट को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने चाहने वालों के साथ, अपने जानने वालों के साथ इसे साझा ज़रूर करें। धन्यवाद।